मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग हुई यूएस लॉ मेकर से, तीन पावरफुल यूएस लॉ मेकर्स। इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान को एक काम कहा गया कि ये आपको करना है। इसके रिस्पांस में मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्टली यूएसए को ये कह दिया, मुझे मार डाला जाएगा, दे विल असैसिनेट मी, मैं नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे पुश करोगे कि ये करना ही करना है, सऊदी अरेबिया को ये करना ही करना है, तो इन द एंड सरप्राइज मत होना कि अगर मुझे मार डाला जाए। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और ये एक मेजर न्यूज है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। द सऊदी क्राउन प्रिंस इज टॉकिंग अबाउट एन असैसिनेशन हिज ओन। नाउ यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, बाय द वे क्राउन प्रिंस तो ये है बट ही इज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के पीएम ये क्यों कह रहे हैं कि इन्हें मार डाला जाएगा। समझाता हूँ आपको और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये अपने आप में। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप, काफी टाइम हो गया ना ये किए हुए, आई मिस दिस। ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। 15 अगस्त को ये करने का मजा ही कुछ और है। खैर यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के वेस्ट को आपको दिख जाएगा सऊदी अरेबिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नाउ ये किंगडम आज के समय बहुत ज्यादा प्रेशर में है। प्रेशर किस बात का है? यूएस बार बार किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को ये कह रहा है कि देखिए हमारा एक ग्रैंड प्लान है, ग्रैंड विजन है, आईमैक कॉरिडोर, जिसके अंदर हम यूरोप, मिडल ईस्ट और इंडिया को करना चाहते हैं कनेक्ट। ये एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट होगा चाइना को बिल्कुल कट ऑफ करने का, चाइना के सिल्क रूट का एक प्रॉपर तोड़ होगा ये। मगर ये प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं ये नॉर्मलाइज नहीं हो जाते। नहीं तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि भारत से सामान जाएगा यूएई में, फिर सऊदी अरेबिया में, फिर जॉर्डन में, फिर इजराइल में, फिर यूरोप में। अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में ही रिलेशंस नॉर्मल नहीं है, अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं, सऊदी अरेबिया उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आता है जो इजराइल को एक ऑफिशियल कंट्री नहीं मानते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज का भी सेम स्टांस है, ये इजराइल को एक देश नहीं मानते। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने एक नए टाइप का एग्रीमेंट शुरू किया था, इसको कहा जाता है द अब्राहम अकॉर्ड्स। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इन्होंने कई कंट्रीज को प्रेशराइज किया और इनसे साइन करवाया इस डॉक्यूमेंट में, जहां पर ये लिखा है कि हम बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, हम एक्सेप्ट करते हैं कि इजराइल नाम का देश है और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अंडर बहरीन, यूएई, मोरक्को, सुडान जैसे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज ने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए थे। अब यूएस देख रहा है सऊदी अरेबिया को, यूएसए को ये पता है कि कल को पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन इंडोनेशिया समेत कई कंट्रीज को अगर मनवाना है, इन सभी कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं विद इजराइल ये नॉर्मलाइज करवाने हैं, उसका रास्ता निकलता है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में मक्का है, मदीना है, ये देश अगर मान गया तो बाकी बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ये भी एक एक करके मान जाएंगे। नाउ मोहम्मद बिन सलमान ने यूएसए के सामने लिटरली हाथी जोड़ ली और ये कहा कि ये काम मुझसे मत करवाओ, जबरदस्ती करवाओगे, जबरदस्ती साइन करवाओगे, कंट्री को प्रेशर में डालकर करवाओगे ये काम, तो अंत में मुझे कोई ना कोई मार देगा। नाउ ये नहीं कह रहे कि इजराइल इनको मार देंगे, इजराइल क्यों मारेगा, इजराइल तो एक्चुअली खुश होगा अगर मोहम्मद बिन सलमान साइन कर देते हैं इस डॉक्यूमेंट पे। इनका डर ये है कि जिस तरीके से इजिप्ट के एक बहुत ही फेमस लीडर अनवर सद्दात को मारा गया था, उसी तरीके से इनको भी कोई ना कोई मार देगा। नाउ अनवर सद्दात कौन थे और मोहम्मद बिन सलमान को डर क्यों लगता है कि जो उनके साथ हुआ था सेम टू सेम इनके साथ हो जाएगा, समझाता हूँ आपको। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी कायरो। इजिप्ट एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के साथ और आज के समय आप एक बात नोट करना, इसराइल और इजिप्ट के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इसराइल ने बहुत कुछ किया मगर इजिप्ट की तरफ से एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इसराइल के अगेंस्ट कुछ कर देंगे या फिर इसराइल को हम छोड़ेंगे नहीं। जबकि आप अगर हिस्ट्री में जाओगे
इजिप्ट इसराइल पे अटैक कर चुका है, दोनों कंट्रीज की वॉर हो चुकी है और इसराइल ने बुरी तरीके से इजिप्ट को हरा भी दिया था और इनका बहुत सारा एरिया ये कब्जा भी लिया था। बाद में ऑफकोर्स इसराइल पीछे हट गया था। नाउ यहाँ पे देखो आपको समझना होगा, 1979 में यूएसए ने एक डील करवाई थी इजिप्ट और इसराइल के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे आइकॉनिक फोटो है, ये उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, ये आज भी जिंदा है बाय द वे, ओल्डेस्ट लिविंग यूएस प्रेसिडेंट, 100 से ऊपर इनकी उम्र है। ये यहाँ पर उस वक्त के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेगिन और ये है अनवर सद्दात। अनवर सद्दात एक बहुत ही फेमस लीडर थे इजिप्ट के, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थे, मगर ओवरऑल आप कह लीजिए हिस्ट्री बुक्स में आपको काफी इनका नाम मिलेगा अगर आप पढ़ोगे मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में। तो अनवर सद्दात को यूएस ने उस वक्त कहा था कि इसराइल को एक कंट्री मान लो। अनवर सद्दात ह्यूज प्रेशर में थे, इनके अपने देश में कई ग्रुप्स खड़े हो गए, इनको धमकियां मिली, सद्दात अगर इसराइल को एक देश मान लिया तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। अनवर सद्दात ने सब कुछ इग्नोर किया और 1979 में यूएस के साथ एक डील साइन कर ली जिसके अंडर इजिप्ट ने इसराइल को एक कंट्री मान लिया और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मल हो गए। मगर अनवर सद्दात को जो धमकियां मिली थी वो खाली धमकियां नहीं थी। इवेंचुअली 2 साल बाद हमने ये देखा कि जो इस्लामिस्ट आतंकवादी हैं, इन्होंने 1981 में अनवर सद्दात को गोलियां मारी और इनकी हत्या कर दी और रीजन ये बताया गया कि ये वो गद्दार है जिसने इसराइल के साथ रिलेशंस किए थे नॉर्मलाइज। अजीब बात देखिए, सद्दात मर गए मगर इजिप्ट की बाद में जो भी सरकार आई है किसी ने भी इसराइल के साथ रिलेशंस ऐसा नहीं है कि बाद में खराब कर दिए हो। तो मोहम्मद बिन सलमान यही कह रहे हैं कि एक बार को ना तुम जबरदस्ती मेरे पूरे कंट्री को प्रेशर में डलवा कर एक एग्रीमेंट हो सकता है कि करवा लो, मगर उस केस में तुमको मैं ये बता रहा हूँ मुझे कोई ना कोई पक्का मार देगा और पूरा सऊदी अरेबिया टर्मोइल क्राइसिस में जा सकता है। ना पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़े, अगर हिस्ट्री के हिसाब से आप जाओगे ना, तो जो काम यूएस चाहता है मोहम्मद बिन सलमान करे, ये लिटरली खुद का आत्महत्या का कोई एग्रीमेंट है वो साइन करने के बराबर है। ना देखना ये होगा कि क्या मोहम्मद बिन सलमान इतनी यंग एज में, यंग ही कहूंगा मैं इनको कंपेयर टू अदर वर्ल्ड लीडर्स, काफी यंग है, इतनी कम एज में इतना बड़ा काम करने का ये दम रखते हैं, क्या ये रिस्क लेंगे, क्या ये अपनी जो सिक्योरिटी है अपने बॉडीगार्ड्स हैं उनको लेकर इतना श्योर फील करेंगे कि ये साइन करने के बाद भी ये सेफ रहेंगे। देखना होगा आने वाले समय में, ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहने वाला है, सरप्राइज मत होइएगा।